कंप्रेस्ड एयर की जरूरत लगभग सभी यूनिट्स को होती है। कंप्रेसर्स में ऊर्जा की इतनी ज्यादा खपत होती है अंदाजा ही नहीं था। एनर्जी एफिशिएंसी नाम तो सुना है, कितनी बचत होगी आइडिया नहीं। अच्छा, काफी फायदा हो सकता है, वो भी बिना कुछ खर्च किए हुए। ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। लगभग सभी इंडस्ट्रीज में न्यूमैटिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एयर कंप्रेसर की जरूरत होती है, जो एक एनर्जी इंटेंसिव इक्विपमेंट होता है। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में 80 से 90 प्रतिशत की ऊर्जा फ्रिक्शन और हीट के रूप में नष्ट हो जाती है, जिसे कुछ सरल उपायों से कम किया जा सकता है। जेफ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एट MSMEs के जरिए इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए। क्या हमारा ये एक शीट मेटल यूनिट है जो कि MSME के अंतर्गत है। इस यूनिट की हर सेक्शन में काम करने के लिए अधिक मात्रा में कंप्रेस्ड एयर की उपयोग किया जाता है। एनर्जी एक्सपर्ट्स टीम जो है, उन्होंने हमारा यूनिट को विजिट किया और विजिट करने के बाद उन्होंने ऊर्जा बचत के लिए दो एरिया को निर्धारित किया। पहला ऑप्शन था कंप्रेस एयर नेटवर्क में लीकेजेस को प्लग करना। हमने एक्सपर्ट टीम के साथ पाया कि लंच ब्रेक के दौरान भी हमारा कंप्रेसर लोडिंग पोजीशन में रहता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लीकेज की तरफ इशारा कर रहे थे। लीकेज टेस्ट के दौरान हमने पाया कि हमारी कुल खपत का तकरीबन 17% एयर वेस्ट हो रही है, जिसका कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ऑडिट टीम की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने इन लीकेजेज को प्लग किया और आज हमें तकरीबन 5.5 लाख रुपये सालाना की बचत हो रही है, जो कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के है। दूसरा ऑप्शन था प्रेशर सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन। हमारी यूनिट में कंप्रेस्ड एयर का कट इन प्रेशर 8 kg और कट ऑफ प्रेशर 9 kg पर सेट था। प्लांट की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद ऑडिट टीम ने प्रेशर सेटिंग को एक बार कम करने का सुझाव दिया। इस सुझाव को मानकर हमें सालाना लगभग 3 लाख रुपए की बचत हो रही है, अगेन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कंप्रेस्ड एयर नेटवर्क में लीकेजेस का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इन लीकेजेस को समय समय पर चेक कर बंद करते रहना चाहिए ताकि कंप्रेसर्स की एफिशिएंसी बनी रहे। कंप्रेस्ड एयर को लीकेज को तुरंत डिटेक्ट करना और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना, इसके लिए हमने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया, जो कि कंप्रेस्ड एयर लीकेज टोकन, ग्रीन वाला हिस्सा। ये टोकन ऑपरेटर को दिया जाता है, सुबह जब वो मशीन में काम करने के लिए आते हैं, अगर उसको ये मिलता है कि मशीन में लीकेज है, तो वो टोकन को लेके मशीन की निर्धारित बोर्ड के ऊपर वो टोकन को टांग के आ जाते हैं, जिससे मेंटेनेंस वाला को सूचना मिल जाते हैं कि इस मशीन में लीकेज है, और मेंटेनेंस वाला तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देते हैं और लीकेज को रोक लेते हैं। समय के साथ इम्प्रूव होती टेक्नोलॉजीज के कारण आज इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग प्रकार के एयर कंप्रेसर उपलब्ध हैं, जैसे स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर इत्यादि। इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक मेजर रॉ मटेरियल है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस लगी हुई है। चूँकि मेजर खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का हमारे फर्नेसेस पे ही आता है, तो हमने कभी भी कंप्रेसर या उसके अलाइड चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे यहाँ पे 2 कंप्रेसर्स लगे हुए हैं जो कंप्रेस्ड एयर की हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। जब एनर्जी एक्सपर्ट की टीम हमारे यहाँ पे आई, तो उन्होंने पाया कि हमारे यहाँ जो 2 कंप्रेसर लगे हैं, जो कि हमारी एयर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी के लगे हुए हैं और जिसके कारण हमारी बिजली की काफ़ी नुकसान होता है। ऑडिट करते हुए टीम ने हमें बताया कि हमें नए स्क्रू कंप्रेसर विद VFD टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी बचत होगी। हमने एक्सपर्ट की राय को माना और इसके तहत हमने ये स्क्रू ड्राइव कंप्रेसर लगाया, जिसके कारण बिजली की खपत आधे से भी कम हो गई है और शायद हम 5 से भी ज़्यादा लाख रुपए इससे सेविंग्स कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में। कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का चुनाव करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कैपेसिटी जनरेशन, रिक्वायर्ड प्रेशर और कंप्रेस्ड एयर का यूसेज आदि। मेरी यूनिट में जब एक्सपर्ट्स की टीम आई, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरा एक 60 HP का कंप्रेसर लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कंडीशंस में फ्लक्चुएट कर रहा था। डिटेल्ड मेजरमेंट के बाद पता चला कि कंप्रेसर नो लोड कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। इस कंडीशन को सुधारने के लिए टीम ने हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी VFD लगाने को सजेस्ट किया। मुझे करीब सालाना 2 लाख रुपये की सेविंग हुई।
हमारे यहाँ ऑडिट का मीटिंग हुआ था, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे हमें, हमारी पावर है एयर है बहुत ज़्यादा वेस्टेज था और खर्च भी ज़्यादा हो रहा था, उसको हमने सेविंग करने के लिए कदम उठाए। कंप्रेसर अंदर बंद कमरे में थे, बंद एरिए में थे, ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था एयर, हमने उनको बाहर खुले एरिए में लेके जाके इनको हमने सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट किया। उससे क्या है, हमारे दो कंप्रेसर चलते थे, अब हमें एक कंप्रेसर बंद करना पड़ता है, एक कंप्रेसर की सेविंग हमारी हो रही है, हमारी लगभग 40% की सेविंग हुआ है लाइट का और पावर का। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में ऊर्जा बचत के लिए और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो बिना किसी निवेश के ऊर्जा लागत को कम कर सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस के ऐसे ही कुछ उपाय हैं, एयर इनलेट फिल्टर्स को नियमित रूप से साफ करवाएं, कंप्रेसर्स को हमेशा ठंडी जगह पर इंस्टॉल करवाएं, ऑयल फिल्टर को रेगुलरली चेंज करें, कंप्रेस्ड एयर का अनावश्यक प्रयोग न करें जैसे फ्लोर क्लीनिंग इत्यादि। अपनी यूनिट में कंप्रेसर एफिशिएंसी मेंटेनेंस प्रोग्राम को लागू करें। इस पूरे एनर्जी ऑडिट और इस एक्सपीरियंस से ये सीखा कि हमें हमेशा नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनों की तरफ सोचते रहना चाहिए ताकि बिजली की खपत काफ़ी कम की जा सकती है। हमने कभी सोचा नहीं था इतने सरल उपायों से ऊर्जा और पैसे की इतनी बचत हो सकती है। अब मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इक्विपमेंट और मशीन्स को और अधिक एफिशिएंट बनाकर मैक्सिमम सेविंग की जाए। इस प्रोजेक्ट से हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला और ऊर्जा की बचत के नए उपाय सीखे। तो इन सारे काम से मैं भी खुश हूँ, मेरा स्टाफ भी खुश है, बस और क्या चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी आज के समय की जरूरत है। रॉ मटेरियल, मैन पावर कॉस्ट इत्यादि लगातार बढ़ रही है, इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी के इन सॉल्यूशंस को अपनाइए और अपने यूनिट में ऊर्जा बचत कर देश की प्रगति में भागीदार बनिए।